क्रिकेट के दानव ट्रेविस हेड ने मचाया हाहाकार। 25 गेंद में 80 रन ठोक सारे रिकॉर्ड किए तहस नहस और तोड़ डाले जो है T20 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। बताएंगे दोस्तों आखिर ट्रेविस हेड ने जो है यह कारनामा कब और कहां किया, तो दोस्तों जानने के लिए देखिए हमारे इस रिपोर्ट को। तो दोस्तों दुनिया का जो है नंबर 1 T20 बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ सुनामी ला दिया। T20 के जो है 3 मैचों की सीरीज के जो है पहले ही मुकाबले में जो है पहले 17 गेंद पर अपना अर्धशतक बनाया, फिर 25 गेंद में 80 रन की तूफानी पारी खेली। अपने इस पारी में 12 चौके और 5 जो है गगनचुंबी छक्के लगाए। बता दें कि 320 की जो है प्रचंड स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए हेड ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड चकनाचूर जो है करते चले गए। ऑस्ट्रेलिया ने बता दें कि पहले टॉस जीतकर मेजबान स्कॉटलैंड को जो है पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। निर्धारित 20 ओवर में स्कॉटलैंड ने जो है 9 विकेट गंवाकर 154 रन का जो है सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। फिर जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से इस टारगेट को 9.4 ओवर में ही 3 विकेट खोकर आसानी से मैच को जीत लिया। ट्रेविस हेड के अलावा जो है मिचेल मार्स ने भी अपने बल्ले से जमकर जो है कोहराम मचाया। मात्र 12 गेंद में 39 रन की जो है पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 जो है गगनचुंबी छक्के शामिल रहे और उनका स्ट्राइक रेट भी जो है 325 का रहा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से रिकॉर्ड बने। तो दोस्तों पहले रिकॉर्ड की अगर बात करें तो जो है ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अपना जो है स्कोर बनाया। बता दें कि एक विकेट के नुकसान पर अपना जो है पावर प्ले का 113 रन जो है बना करके नया कीर्तिमान सेट कर दिया है। वहीं दूसरे रिकॉर्ड की अगर बात करें तो जैक फ्रेजर जो है मैकगर अपने T20 डेब्यू पर आउट होने वाले जो है तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तीसरे रिकॉर्ड की अगर बात करें तो जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज जो है 50 लगाया जो है ट्रेविस हेड ने मात्र 17 गेंदों में। जी हाँ दोस्तों, उनके अलावा जो है संयुक्त रूप से जो है मार्कस स्टोइनिस भी यह कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने भी जो है 17 गेंदों में जो है 50 रन ठोक करके जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेज 50 लगा चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।